गिरनारी। श्रावण महीने के बाद मकर राशि वालों की नसीब की गाड़ी दौड़ने वाली है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। दोस्तों, दुख जिंदगी भर नहीं रहता, हर दुख के पीछे एक बड़ा सुख छिपा होता है, इसलिए मायूस होना छोड़ दीजिए, आपका भी वक्त आएगा। सावन महीने के बाद ग्रहों की स्थितियां बदल रही है। यदि आप अच्छे मौके के इंतजार में हैं, तो आपको बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आपके राशि स्वामी और न्याय के देवता पूरे महीने 12वें भवन में रहने वाले हैं। धन वैभव सुख संपत्ति के प्रदाता शुक्र ग्रह स्वयं 3 अक्टूबर को व्यापार भवन कर्म भवन में प्रवेश करने वाले हैं। जमीन मकान भूमि से लाभ दिलाने वाले मंगल ग्रह 25 सितंबर को भाग्य भवन में प्रवेश करने वाले हैं। आत्मा के कारक सूर्य ग्रह 16 नवंबर को आय भवन में प्रवेश करने वाले हैं और गुरु ग्रह भी 3 नवंबर तक आय स्थान में रहने वाले हैं। दोस्तों, यह ग्रहों की परिस्थितियाँ आपकी नसीब की गाड़ी दौड़ाने वाली है। मकर राशि फल 2019 के अनुसार सावन महीने के बाद आने वाला समय में गुरु ग्रह की कृपा दृष्टि के चलते आपके कार्य क्षेत्र में धन लाभ होता नजर आ रहा है। आने वाले समय में आप नौकरी एवं व्यवसाय में व्यस्त रहने वाले हैं, साथ में आप अपने कार्य तय सीमा में पूर्ण करने वाले हैं, जिसका आपको लाभ भी मिलता नजर आएगा। कामकाज के चलते आपकी यात्रा सफल होगी, साथ में करियर में भी आपको काफी अच्छी सारी संभावनाएं भी नजर आ रही है। यदि आप कुछ नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, तो चिंता करना छोड़ दीजिए। नसीब का साथ मिलने से आप कार्यों को सफल बनाने में भी कामयाब रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगस्त से दिसंबर का समय शुभ कहा जा सकता है। इन दिनों में आपको नया पद भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वर्तमान पद में उन्नति के योग बन रहे हैं। दोस्तों, यदि आप अच्छी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने से आपको अच्छी जगह पर कार्य करने का मौका मिलेगा। व्यापार भवन में शुक्र ग्रह की स्थिति आपको अकल्पनीय लाभ दिला सकती है। यदि आप व्यापार में हैं, तो आपके व्यापार में बढ़ोतरी होने वाली है। कार्य क्षेत्र में किया गया प्रयोग आपकी उन्नति के दरवाजे खोल सकता है। व्यवसाय एवं कार्य क्षेत्र में हो रही समस्या का समाधान होगा। अच्छे भाग्य के चलते आपको धन प्राप्त करने के कई अवसर मिलेंगे, जिसके चलते आप दिसंबर के अंत तक धन संचय करने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, निश्चित रहिए, प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए जगह बनने वाली है। आपकी कार्य पद्धति आपके अधिकारी को प्रसन्न कर सकती है। जो लोग शेयर बाजार में पैसे लगाकर धन कमाने के बारे में सोच रहे हैं, तो शनि ग्रह की कृपा आपको अधिक धन प्राप्त करा सकती है। यदि आपने लोन के लिए आवेदन किया है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। मंगल ग्रह की स्थिति के चलते आप अपने लिए खुद का आशियाना ढूंढने में भी कामयाब रहेंगे। दोस्तों, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेहनत अधिक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको सफलता मिलने की संभावना बन रही है। दोस्तों, भाग्य कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। आने वाले दिनों में छात्र अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। साथ में बुध ग्रह की स्थिति के चलते आप में से कई सारे छात्रों को शिक्षा के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा। भाग्य भवन में मंगल ग्रह की स्थिति के चलते जमीन मकान इलेक्ट्रिक सेना पुलिस संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ मिलने वाला है। अपनों का साथ मिलने से कई विवाद सुलझाने में भी कामयाब रहेंगे। विदेश जाने के इच्छुक जातकों का कार्य आगे बढ़ेगा। कागजी कामकाज शीघ्रता से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, राहु ग्रह की स्थिति के चलते आपको सलाह दी जाती है कि सेहत के मामले में आप लापरवाही ना करें। दोस्तों, कुल मिलाकर अगस्त से दिसंबर के बीच का समय आपके लिए फलदायी कहा जा सकता है। आपकी प्रगति में कुछ रुकावटें भी आएगी, लेकिन आप अपनी मेहनत और परिश्रम के द्वारा उन रुकावटों को दूर करने में कामयाब रहेंगे। अविवाहित लोगों का विवाह होने के योग बन रहे हैं, इसलिए यदि आप सिंगल हैं और अपने लिए अच्छे साथी का इंतजार कर रहे हैं, तो चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि नसीब आपको अच्छा दोस्त साथी प्रेमी के रूप में दिलाने वाला है। दाम्पत्य जीवन का अच्छा सुख प्राप्त होगा। प्रेम जीवन के लिए आने वाला समय अच्छा कहा जा सकता है। आपको अपने साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और जो लोग
सच्चे प्यार के इंतजार में है, उनकी इच्छा भी पूर्ण होने वाली है। आप रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं, तो समय आपका साथ देने वाला है। आने वाला समय आपका है, इसे चाहे सोना बना दो या फिर सोने में गुजार दो, ये सब आपके हाथ में है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यह था मकर राशि फल 2019। वैदिक साधना चैनल में धर्म और ज्योतिष आधारित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।